पहलवान रितिका सिंह ने भरतपुर के अंदर जो स्टेट कुश्ती की चैंपियनशिप चल रही थी उसको विजेता घोषित कर दिया। वहां के कुछ खेल अधिकारी, कुश्ती की जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोग करा रहे थे, कुश्ती संघ वाले, राजस्थान कुश्ती संघ के लोग और वहां जो अतिथि थे, उन्होंने मध्यस्थता करके और विजेता को उपविजेता घोषित करा दिया वापिस। तो इससे वो सदमे में थी और अतिथि कभी मध्यस्थता नहीं कराते, जूरी है जो जूरी निर्णय करती कि भाई सही गलत क्या। जब विवाद होता है तो जूरी को दरकिनार करके और मुख्य अतिथि ने मध्यस्थता कराई और उससे सदमे में आके उस बच्ची ने, जिसका अंतिम मौका था नेशनल खेलने का, वो नेशनल तक जाती और बड़ा नाम करती उस गांव का, जिले का, राजस्थान का, दुर्भाग्य से वो सदमे में चली गई और उसने आत्महत्या कर ली। इसके कारणों की जांच के लिए मैंने मांग करी कि राजस्थान के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए NIA, CBI या लोकसभा अध्यक्ष जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले की कराएं और इसका दूध का दूध, पानी का पानी और इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, न्याय मिले इस बालिका के परिवार को। मुख्य अतिथि कौन थे? अब जो भी थे मुख्य अतिथि, लेकिन वो सब कुश्ती से जुड़े हुए लोग थे और ये जो बच्ची थी ये उनके परिवार में थी, अपने बबीता फोगाट और उनके परिवार की बच्ची थी जिसने सुसाइड किया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि राजस्थान विंग का मामला, क्या आपको लगता है कि देखिए फोन टैपिंग निश्चित रूप से हमारे भी हुए थे और फोन टैपिंग कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत ने फोन टैप किया था, मेरे तो वसुंधरा राजे भी फोन टैप करती थी, इसलिए हमने हमेशा इस बात को कहा कि दोनों सरकारों ने फोन टैप किए। फोन टैप करना लोकतंत्र की हत्या है, आपकी प्राइवेसी खत्म होती है, लेकिन फोन टैप की जाँच हो। जाँच आज तक किसी फोन टैप प्रकरण की नहीं हुई। मैं तो हमेशा उस समय भी चिल्लाता था विधानसभा के अंदर, आज मेरे जो तीनों RLP के विधायक, और मैं फिर दोबारा मांग करता हूँ फोन टैप प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इसमें जिन दोषी अधिकारियों ने, नेताओं ने फोन टैप कराए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये माना जा रहा है कि लोग स्मार्टफोन से, साइबर से जुड़ रहे हैं और इस वजह से वहां पर क्राइम बढ़ रहा है। दूसरी बात, महिलाओं के साथ जो लगातार अपराध हो रहे हैं या फिर ड्रग्स का वहां पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पोर्नोग्राफी जो की देखी जा रही है, ये क्राइम बढ़ने के रेट है, ऐसा DGP का मानना है? ऐसा DGP तो वही बात कहेंगे अपने बचाव के लिए, लेकिन राजस्थान के अंदर अपराध जो पिछले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर बढ़े अपराध के अंदर, राजस्थान महिला उत्पीड़न में एक नंबर पर आ गया, यूपी को पीछे छोड़ गया। उसमें वसुंधरा गहलोत का गठबंधन दोषी है, यहाँ DGI पे अधिकारी लगते हैं और ऐसे ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी जाती है जो जिनका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। राजस्थान में पुलिस और सरकार नकारा है, निकम्मी है और उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और मैं तो कह रहा हूँ हार्डकोर अपराधी, हार्डकोर क्रिमिनल को बार बार पेरोल मिल जाती है राजस्थान के अंदर। तो DGP साहब को अपने बयान के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान में अपराध बढ़ने के पीछे रोजगार का अभाव, सरकार का जो एक पुलिस का इकबाल जो पब्लिक के अंदर होता है वो, और नेताओं की जो डिजायर पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से सारा काम हो रहा और पुलिस भी अपना काम का सही ढंग से नहीं कर पा रही है। और खाली झुंझुनू में ही अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, अपराध पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं और राजस्थान अपराध में एक नंबर की ओर जा रहा है, जो सबके लिए चिंता का विषय। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें नकारार, इन दोनों के गठबंधन की वजह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।